सो हेलो एंड वेलकम बैक टू हमारा एडिट गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इस टाइप से गणेश चतुर्थी कंटेंट लेकर आया हूं गाइस। तो ये मत बोलना गाइस कि अभी गणेश चतुर्थी आया नहीं और पहले ही ट्यूटोरियल देना चालू कर दिया। सो गाइस मैं ये सेलिब्रिटी आप लोगों के लिए लाया हूँ। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना स्किप करे वीडियो देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो गाइस अगर वीडियो चैनल पर नया है तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर सो गाइस अब हम यहां से अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे गाइस देखिए मैंने अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है एंड यहां से ये आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा ये फोटो। तो गाइस यहां से आप हम अब हम क्रॉप पे जाएंगे एंड यहां से हम इंस्टाग्राम के साइज पर क्रॉप कर लेंगे। एंड गाइस अब हमारा जो फोटो है वो इंस्टाग्राम पर परफेक्ट अपलोड हो जाएगा। तो गाइस यहां से हम डन कर लेंगे। तो गाइस अब हम फिर से चलेंगे ऐड फोटो पे एंड यहां से हम अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे। गाइस जैसे मैं अपने मॉडल को ले लेता हूं गाइस, जैसे हम अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ से हम इसे क्रॉप करेंगे गाइस, हम इसका इतना क्रॉप कर लेंगे। यहाँ से क्रॉप करने के बाद गाइस हम इसे बड़ा करके ऐसे करके इसे फिट कर देंगे एंड यहाँ से कर देंगे सिंपली डन। सो गाइस इतना करने के बाद फिर से हम ऐड फोटो पे चलेंगे एंड ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस यहाँ से हम एक PNG लेंगे, ये वाली। ये भी आप लोगों को ये भी क्या गाइस जितने भी मैं PNG यूज़ करूँगा एक बार और फिर से मैं बता रहा हूँ, सब कुछ आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे सिंपली यहाँ से कर देंगे डन। एंड गाइस इतना करने के बाद फिर से हम आ जाएंगे अपने ऐड फोटो के अंदर एंड ऐड फोटो के अंदर आने के बाद गाइस हम स्मोक की PNG लेंगे एंड यहाँ से कर देंगे डन। इसे नीचे करके एंड इसका ओपेसिटी हम कम कर लेंगे एंड सिंपली कर देंगे इसको डन। फिर से हम गाइस अपने ऐड फोटो पे आएंगे एंड स्मोक कलर की PNG लेंगे। सो गाइस हम पहले तो इसका PNG ले लेते हैं जिसे हम अपने थोड़ा छोटा कर लेंगे एंड इसको यहाँ से कर देंगे डन। सो गाइस इतना होने के बाद अब हम आ जाएंगे फिर से ऐड फोटो पे। अब बारी आती है अपने स्मोक की PNG लेने की। सो गाइस हम अपने स्मोक की PNG लेंगे, स्मोक की PNG ये है एंड यहाँ से कर देंगे इसे फिर ऐसे करके इसकी भी ओपेसिटी हम हल्का कम कर लेंगे एंड सिंपली कर देंगे यहाँ से डन। एंड गाइस इतना करने के बाद फिर से हम आ जाएंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे हम एक इसकी PNG लेंगे जिस पे लिखा है हैप्पी गणेश चतुर्थी, उसका ब्लेंडिंग मोड कर देंगे स्क्रीन एंड इसे बड़ा करके लगा देंगे। अब इतना करने के बाद गाइस अब बारी आती है हम सिंपली यहाँ से कर देंगे डन, सेव कर लेंगे फोटोज को। आ गए हैं हम अपने Lightroom एप्लीकेशन के अंदर गाइस। तो चलिए हम गाइस आगे का स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम इस वाले टोन टूल पर आएंगे एंड इसको कंट्रास्ट को बढ़ा देंगे एंड हाईलाइट को कम कर देंगे गाइस एंड इसके बाद शेडोज को भी बढ़ा देंगे गाइस एंड वाइट और ब्लैक्स को भी बढ़ा देंगे। एंड गाइस इतना करने के बाद सिंपली हम ये थर्मामीटर वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे एंड इसके सेचुरेशन को -10 के आसपास रख देंगे, वाइब्रेंस को 25 के आसपास एंड टिंट कर देंगे गाइस
6 के आसपास एंड डैम को भी 4th के आसपास। एंड गाइज इतना करने के बाद हम मिक्स टूल पर आएंगे एंड मिक्स टूल पे आने के बाद हम येलो कलर पे जाएंगे एंड गाइज येलो कलर वाले को हम से लुमिनेंस बढ़ा 100 कर देंगे एंड सेचुरेशन -24 कर देंगे एंड ह्यू को कर देंगे गाइज 23 के आसपास। अब गाइज हम इस वाले टूल पर आएंगे, जो जो गाइज एक बात जान लीजिए, जो जो हमारे बैकग्राउंड के कलर है उसी वही कलर सेलेक्ट करेंगे एंड गाइज इस कलर पे आ जाएंगे एंड इसके भी हम ह्यू को -51 कर देंगे, लुमिनेंस को कर देंगे 100 कर देंगे, सेचुरेशन को कर देंगे 28 के आसपास। एंड गाइज इतना करने के बाद हम इस वाले टोन पर आएंगे एंड हम थोड़ा इस वाले टोन पर आकर फेस को थोड़ा वाइट करते हैं। तो गाइज हम इसके सेचुरेशन को -14 के आसपास रखेंगे, लुमिनेंस को आपको जितना फेस ब्राइट चाहिए, जैसे मुझे 15 के आसपास चाहिए गाइज, तो मैं 15 कर लूँगा। एंड गाइज इतना करने के बाद हम कर देंगे सिंपली डन। एंड गाइज अब इस वाले टूल पर आएंगे एंड इसकी क्लियरिटी को बढ़ा देंगे एंड इसे भी हम -41 के आसपास कर लेंगे। एंड गाइज इतना करने के बाद हम इससे 100 कर देंगे एंड इससे भी 100 कर देंगे एंड इसे 53 के आसपास। एंड गाइज इसे हम चाहें फेस के थोड़ा अच्छी क्वालिटी के लिए बढ़ा दें। सो गाइज ये देखिए बढ़ा देंगे। एंड गाइज इतना करने के बाद हम इस वाले टूल पर आएंगे एंड इसके शार्पनेस को बढ़ा देंगे एंड इसे भी हम बढ़ा देंगे 25 के आसपास एंड इसे कर देंगे हम 54 के आसपास। तो गाइज अब देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर, देखिए गाइज बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइज इतना हो चुका है, अब हम इसे भी ऐसे करके इसके स्मूथनेस को कम कर देंगे, डिटेल्स को कम कर देंगे। सो गाइज हो चुका है हमारा फोटो एडिटिंग कंसेप्ट कंप्लीट, अब हम कर देते हैं अपने पिक सेव।